office bearer of the bar on the dais. By the members of this bar, to help us to find out how to cross-examine witnesses in a criminal trial. Somdat and Mittal. Mittal was also there. Both of them came to me and proposed that the number of newcomers is almost outnumbering the people who are in the bar already. Because during the last 3-4 years, the number of students who have passed out and enrolled is much, much more than the number which constitutes the previous membership of the bar, and some of them have already left the bar also. But fortunately or unfortunately, in the present setup, the new students or the young lawyers, even up to the practice of say 4, 5 or 10 years, they do not have any practical information, or I won't call it training because I am one of you, I am not to train you, that they do not get a practical information or ways and means of how to conduct a cross-examination in the trial. And I am shifting to the to our original language, performance of plaint, written statement, replication, issues are framed in the CPC. You can find the performance of bail bond, how a bail bond is to be filled, what is there in a bail bond, you can get it. But for cross-examination, there is no performance. Anybody can read the CPC, go through the performance of this plaint, written statement, etc. You can sit with the senior lawyers. You can read their pleadings. And by reading the pleadings, you can make out case mein kahan par cause of action likhna hai, kahan limitation likhni hai, kahan kya likhna hai. Performance hai. आप 6 महीने में साल में उसे पढ़ सकते हैं. इसी तरह और चीजों में और एक्ट जितने भी हैं जिनके लिए आपको कोई ना कोई गाइडलाइंस हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में मिल जाएगा आपको, समन्स किस तरह के जाने हैं, रजिस्ट्री कैसे करानी है. सो सिविल साइड के ऊपर जितना हमारा काम है उसके लिए बहुत कुछ जो रूल्स फ्रेम होते हैं उसके अंदर जो परफॉर्मेंस बनते हैं या जो प्लीडिंग होती है या जो एफिडेविट आपने प्लेंटिफ का बना के देना है वो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हुए किसी के पास जूनियर काम करते हुए या पुराने केसेस उठा के पढ़ने से भी आपको उसका अंदाजा लग सकता है. लेकिन क्रिमिनल लॉ में आपको क्या मिलता है, एक चलान जिसे आप चार्जशीट कहते हैं. वो चार्जशीट 154 एफआईआर से शुरू होके और 173 सीआरपीसी के चलान में खत्म हो जाती है. वो चार्जशीट आपको टोटल बताती है कि ये केस क्या है, किसके अगेंस्ट एलिगेशन है, कौन कंप्लेनेंट है, किस डेट को ऑकरेंस हुआ, उसमें किसके चोट लगी, कौन मर गया, कब उसकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार हुई, कब उसका पोस्टमार्टम के लिए गई, कब फिर उसके लिए मुल्जिम अरेस्ट हुआ, उसके डिस्क्लोजर में क्या क्या आया, उसने क्या रिकवरी करा के दी. सो द टोटल पिक्चर जिसे हम कहते हैं पूरा केस, वो तो उस चार्जशीट में आ गया. आपने उस पूरी चार्जशीट को मैं कहता हूं एक किस्म से रट भी लिया. लेकिन अब अगला जो स्टेप है आज मैं आपसे उसके बारे में बात कर रही हूं. क्यों उस चार्जशीट को प्रूव करने के लिए विटनेसेस को एग्जामिन किया जाना है, यही फर्क है. लाइटर रखे इसको बजाय इसके कि हम बहुत सीरियस हो जाए.
कि सिविल साइट में तो पीडिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता। क्रिमिनल साइट में जिसे कहते हैं कोरा जबानी है, एक पुराने टाइम का मजाक है कि सिविल के दो बड़े सीनियर जजेस थे पंजाब में, हरियाणा हाईकोर्ट में, और उनकी ड्यूटी लगा दी डीपी में क्रिमिनल अपील में। तो जो वकील साहब थे वो भी पुराने कोई बहुत सीनियर थे, उन्होंने मजाक मजाक में उनसे यही कहा, कहते जी इस केस में क्या है? बोला माय लॉर्ड कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो है ही नहीं, दो जबानी गवाह है। बोला बस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ नहीं है? बोला नहीं जी, बोला दो जबानी गवाह है। बोला चलो एक मिनट। तो क्रिमिनल ट्रायल में बरी और सजा उसकी जबानी गवाही पर होना है। एक आदमी आई विटनेस है, और क्रिमिनल ट्रायल में मैं इसलिए आपको बेसिस बना रहा हूं बताने के लिए कि स्कोप कितना वाइड है। यानी एक इंजर्ड विटनेस है जिसके चोट लगी है, उस इंजर्ड विटनेस को भी क्रिमिनल कोर्ट में आप क्रॉस एग्जामिनेशन से डिमोलिश कर सकते हो, उसे डिसबिलीव करवा सकते हो और आप एक्विटल ले सकते हो। और क्रिमिनल केस में अगर एक गवाह इस चीज का रख दिया जाए कि मैं रात को 2 बजे मेरे खेत में झोटे को चेक करने गया था कि कोई फसल ना खराब कर दे, उस समय मैंने मौका देख लिया जिस आदमी को मारने थे, उसको बिलीव कर सकते हैं। तो अनइंजर्ड विटनेस को बिलीव किया जा सकता है, इंजर्ड विटनेस को डिसबिलीव किया जा सकता है। और क्रिमिनल लॉ में खुला है, आपको यू आर्टिकल 23 की प्रोटेक्शन है, राइट ऑफ साइलेंस है, आपको अधिकार है कि आई एम इनोसेंट, आई एम फॉल्सली इम्प्लिकेटेड। ऐसे में द डिसीजन ऑफ द केस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस विच इज डन इन द कोर्ट। इस क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुक्स भी आपको बहुत मिलेंगी, आर्ट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन, द वे ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। लेकिन जो मैं मेरे 30-40 साल के तजुर्बे के आधार पर आज आपसे बात करने लगा हूं, विद ड्यू रिगार्ड्स एंड ऑल ह्यूमिलिटी आई विल से देयर इज नो सच थिंग एज आर्ट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन। आपने पहले अपने केस को, आजकल तो पता नहीं है नहीं है, हमारे टाइम हम शुरू करते थे सट्टे के 13-367 गैम्बलिंग के केस, 61-14 शराब की 2 बोतलें पकड़े जाने का केस एक्साइज का। लेकिन पॉइंट इज, चाहे मेरे पास केस है एक्साइज का, चाहे मेरे पास केस है बुक्की का, या मेरे पास केस है 302 का, छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़े तक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल फॉर प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन, आई विल नॉट से सक्सेसफुल, फॉर ए प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन इज उस केस का मेरे को एक एक कोना पता होना चाहिए, उसकी तैयारी पूरी तरह, उस चार्जशीट को जिसे हम कहते हैं रट लो। आप मेरी एक बात गांठ बांध लो, आप किसी एक विटनेस को पूरे केस को पढ़े बिना, यदि किसी एक विटनेस की इतनी सी आज बात है उसको पढ़ के क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहें, तो आप उस दिन अपना टाइम तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो गलत है। क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार होगा पूरे केस को पढ़ने के बाद। आपने पूरा केस पढ़ा, आपको उसके अंदर जो 5-6-7 चीजें नजर आएंगी कि इसमें FIR में डिले है, तो अब FIR के डिले का क्रॉस एग्जामिनेशन आपने करना है, इसमें मेडिकल की कॉन्ट्राडिक्शन है, इसने कह रखा है कि जी उसके सिर में लाठी मारी, लाठी की कोई चोट नहीं,
या एमएलआर देखी तो उसमें गंडासी की चोट है। आप एक चीज और याद रखना, क्योंकि मेरे अगेंस्ट जो दूसरा अपने में से ही खड़ा है वो गवाह को तैयार करके लाएगा कि जी चोट मारते गंडासी उल्टी तरफ से लगी थी, और क्रॉस एग्जामिनेशन आपने करना। तो एक मेडिकल की कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, उसके बारे में आपको उस केस में पता चला। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है वो कितना यूज करना है, सेक्शन 27 पढ़ लीजिए, उसमें केवल उतना इस्तेमाल होगा जिसमें पे रिकवरी है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन। तो रिकवरी के बारे में, स्पॉट के बारे में, डिले इन द एफआईआर के बारे में, मेडिकल कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में, या जैसे रिकवरीज अपने एनडीपीएस एक्ट वगैरह में है तो सेक्शन 50 की कंप्लायंस है या नहीं है, सडन उसके अंदर रिकवरी है या पहले से इंफॉर्मेशन लेके घर पे जाके रिकवरी है, मतलब इस तरह के डिफरेंट इश्यूज को देख के एक बार अगर हम अपने केस को पूरी तरह जिसे कहते हैं याद कर लें। पेपर तो छठे महीने होता था लॉ में, एवरी डे इज योर पेपर कोर्ट्स में, तो उसके बाद आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन का बड़े आराम से यू कैन ले डाउन द बेसिस। उसकी जैसे मोटी चीज है शुरुआत कहां से है, जो ज्यादा सबसे प्रैक्टिकल इफेक्ट में आता है कि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन जब करना है तो कोशिश कीजिए कि आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में एक लय आनी चाहिए। उंगली पकड़ के आपके साथ चलता हुआ वाक्य वाली जगह पर आ गया और उसे क्रॉस एग्जामिनेशन में वाक्य वाले सवाल मिले तो एंग्जाइटी आएगी, ये तो इसमें इस तरह मार रहे हैं, हो सकता है वो हम बीच में छोड़ के, ये कई इन लोगों से बात करके भी पता चलता है, मैं तजर्बे से बता रहा हूँ। बोला भाई साहब कई बार तो बीच में छोड़ के खोल के देखते हैं जिसका एमएलआर देखा है, तरीके बोला इसमें तो है ही नहीं, इतनी छोड़ के फिर हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सो देन यू मेडिकल पार्ट आपका मोस्टली मैनर ऑफ अकरेंस का प्लेस ऑफ अकरेंस पे कवर होगा, उसी के साथ प्लेस ऑफ अकरेंस का सेकंड पार्ट कवर होगा कि एक जगह गिरा, दो जगह गिरा, तीन जगह गिरा, वहां पर खून मिला या नहीं मिला, वो खून नक्शे में है या नहीं है, गोली चली तो कोई एम्प्टी वहां मिला या नहीं मिला, बुलेट मिला या नहीं मिला, वहां पर वैड मिल गए, वैड 12 फुट से दूर नहीं जाता क्योंकि हल्का है, बुलेट दूर जाता है, तो आप अपने सीन को एक किस्म से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो जब इस पार्ट को तैयार करो तो अपने दिमाग में जो वाक्य 161 के बयानों में उन्होंने बना रखा है उसको अपने दिमाग में रिकंस्ट्रक्ट कर लो और उस रिकंस्ट्रक्शन के मुताबिक जिरह करो उस गवाह पे। एमआरआर आपको पता है इन्होंने कैसे मारा दिखाया, ये भी आपके दिमाग में है। अब आपने चांस लेना है कि इनको हम जिरह करके कोशिश कर रहे हैं साबित करने की कि ये जो मेडिकल एविडेंस है या ये जो मैनर ऑफ अकरेंस है, गोली आगे से मारी, चाकू कहां लगा हुआ है, एमएलआर में तो आया हुआ है कि लंबर रीजन में चोट है, गवाह ने आके पकड़वा दिए दोनों के जी, ये जो दो मुल्जमों ने पकड़ा और एक ने चोट मारी, तो आप क्या सवाल पूछोगे, भाई इन दोनों ने बाहों से पकड़ा था, कैसे पकड़ा था, अगर कोशिश करके एक ने आगे से एक ने पीछे से पकड़ लिया तो आपका काम बन गया कि अगर एक मुलजिम ने आगे से पकड़ा है दूसरे पीछे से पकड़ा है तो इसके पेट में चाकू कहां से मारा जाएगा। सो दीज आर दी एग्जांपल्स कि इस तरह जो आपने अपने दिमाग में 161 और एफआईआर से बना रखा है खाका, उस खाके में और उस एमएलआर में यह फिट नहीं हो रहा, वो चीज आप अगर रिकॉर्ड पर ले आते हो क्रॉस एग्जामिनेशन में तो आप आर्गू कर सकते हो कि मेडिकल और ऑक्युलर वर्शन में कॉन्ट्राडिक्शन या प्लेस ऑफ अकरेंस मैनर ऑफ अकरेंस से टैली नहीं करती, या जैसे अपने केसेस में
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें अलाउड है। मुलजिम का भी चोटें लगी हुई हैं, मुलजिम का भी एमएलआर हुआ हुआ है, मैनर ऑफ अकरेंस में ही है। अब आपको जजमेंट्स पे बाद में जाना है, जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट की दोनों तरफ की मिल जाएंगे, इंक्रीज ऑफ ऑन दी पर्सन ऑफ दी एक्यूज नॉट एक्सप्लेन्ड कोई फर्क नहीं पड़ता माइनर हो तो, और इंजरीज ऑन दी पर्सन ऑफ दी एक्यूज नॉट एक्सप्लेन्ड विटनेस इज मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ए वेरी मटीरियल फैक्ट। जजमेंट्स बाद में इस्तेमाल होंगी, पहले आप अपने जिरे से वो मटीरियल ले, मटीरियल आने के लिए अगर आपके भी चोटे हैं तो आप उसी मैनर को जब मैनर ऑफ अकरेंस को जिरे कर रहे हैं तब उनसे पूछेंगे भाई इनमें से किसी का सिर फूटा था क्या, इनमें से किसी के हाथ के चोट लगी थी क्या, आपने इनको कहीं हॉस्पिटल में देखा, इनकी भी कोई एमएलआर हुआ था, आपके ऊपर क्रॉस केस चल रहा है। ये सवाल बनेगा कब, जब आप मैनर ऑफ अकरेंस के ऊपर उन्हें जिरे कर रहे हैं। आप ट्राई कर रहे हैं कि मैं इस विटनेस से यह साबित कर दूंगा ये तो मेरी चोटों को छुपा रहा है, तो अनदर पॉइंट टू डिस्क्रेडिट द विटनेस। क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस को डिस्क्रेडिट करने के लिए ही किया जा रहा है। आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बात की बात है, लेकिन उसकी सीक्वेंस मैनर ऑफ अकरेंस तक आ गई। मैं अगर कोई इंजर्ड विटनेस नहीं है तो जो सो कॉल्ड आई विटनेस है और इवन इंजर्ड का भी, उसके बाद आप क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, वाका हो गया, मैं आपको साथ लेके चल रहा हूं, वाका हो गया, प्लेस ऑफ अकरेंस पे आगे इंसिडेंट हो गया। अब अगला पार्ट क्या है जिसपे हम जिरह कर सकते हैं, अगला पार्ट है कंडक्ट ऑफ द विटनेस। मेरे घर के बाहर चोट मार दी, आदमी पड़ा है, मुलजिम अपने अपने हथियार लेके भाग गए, आपने क्या किया, उसको पानी देने की कोशिश की, उसका खून रोकने की कोशिश की, उसको उठा के अंदर लेके गए या नहीं गए, उसको कोई फर्स्ट एड दिलाने की कोशिश की, क्योंकि अपन ही दूसरी तरफ से हैं, अपन ने ही अपने विटनेस को तैयार कर रखा है। यदि गाड़ी लेने चले गए, गाड़ी लाने में देर हो गई, लेकिन क्रॉस एग्जामिनर का काम है उस स्टेज के ऊपर उस विटनेस का जो कंडक्ट है उसको ऐसा डाउटफुल बनाने की कोशिश करे कि तूने घर जाके किसी को बताया, तूने गांव में किसी से सपोर्ट ली, तुमने किसी को स्टेटमेंट दी या नहीं दी। दीज क्वेश्चंस ये तो आपको फ्रेम करने होंगे मौके के ऊपर अपने केस के मुताबिक, लेकिन चीज दिमाग में रखने की है कि उसके बाद आप कंडक्ट ऑफ दी विटनेस की जिरह करो, जिससे आप यह साबित कर सको कि इस विटनेस का कंडक्ट जो है वो डाउटफुल है। अगर ये वहां पर होता तो ये ऐसा नहीं करता, ये नॉर्मल आदमी का कंडक्ट है। तो कंडक्ट ऑफ दी विटनेस केस के मुताबिक आप यहां तक आ गए। अब आप उनको लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं, रास्ते में थाना है, चौकी है, इतला करी नहीं करी, ये भी कंडक्ट का पार्ट है। हॉस्पिटल पहुंच गए, पहुंचने के बाद वहां पे डॉक्टर को आपने क्या बताया क्या नहीं बताया, ये भी आपके कंडक्ट का पार्ट है। तो विटनेस को आप कन्फ्रंटेशन से शुरू करके और जहां तक वो डेथ हुई वहां तक ले आए, या वो जो इंजर्ड हॉस्पिटल में भर्ती हुआ वहां तक ले आए, इसके बाद आपका शुरू होगा वेदर देर इज ए डिले इन द रिपोर्टिंग, और क्या ये जो स्टेटमेंट आया चार्जशीट में तो आ गया, वो स्टेटमेंट एफआईआर दर्ज है, एफआईआर में उन्होंने कारण भी दे रखा है, इस कारण नहीं जल्दी हो सकी, रुका गया, ये गया, वो गया। अपना काम क्या है कि हम वहां पर वो जो प्रोसीजर वहां अडॉप्ट किया गया है वो प्रोसीजर ठीक है या गलत है उसको चैलेंज करें। डिले इन द लॉजिंग ऑफ द एफआईआर का जो इशू है अब हमने वहां पर चैलेंज करना,
कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई, या अगर प्रॉम्प्ट भी है तो भी हमने कोशिश करनी है कि और कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं, कोई सलाह मशवरा किया है नहीं किया है, आपस में बातचीत की है नहीं की है, पहले कहीं पुलिस को फोन किया है नहीं किया है। तो डिले इन द लॉजिंग ऑफ द एफआईआर के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमारे को वहां पर उन्हें पुट करने हैं। इस सीक्वेंस में जब जज भी आपके साथ पढ़ता चला जाएगा तो वो आपकी बात माने ना माने वो तो टोटलिटी ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन को पढ़ते हुए अपना दिमाग उस केस की फाइल से दूर नहीं करेगा। ना मानना उसका अधिकार है, उसके जज भी के इसने मारा है मैं तो नहीं छोड़ना, वो कहेगा मैं तो जजमेंट कन्विक्शन की करूंगा कर, लेकिन वो बीच में नहीं छोड़ेगा, वो ये नहीं कहेगा कुछ पूछ तो रखा नहीं छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पर मेरा केवल और केवल इतनी जिम्मेवारी है कि हमने अपने केस को पुट कर दिया। लास्ट अब आ गया, इसके बाद कई केसेस में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स आते हैं। अब आप उसके बाद लास्ट में आपने उस विटनेस ने कोई बाद में रिकवरी का गवाह बना है, मौके की रिकवरी का भी वही गवाह है, तो अब उससे मौके की रिकवरीज की हम जिरह कर सकते हैं। रिकवरीज अकरेंस के बाद की होती है मोस्टली, यही मैंने आपको शुरू में बताने की कोशिश की कि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करा, रिकवरी से शुरू कर दिया, तो जब सोचा यार ये तो बीच में पहले वाला काम गया, अब आपने स्पॉट रिकवरीज के बारे में जो भी उससे सवाल जवाब है उस केस के मुताबिक वो कर लिए, कोई अगर डंडे लाठी की का भी वही गवाह है तो उससे कर लिए। ये कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट पार्ट आता है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है सजेशन। क्रॉस एग्जामिनर को सजेशन देते समय आज के दिन अब बिल्कुल एक तलवार की धार पे चलना है। हमारे समय में तो मैं तो पुराना ही कहूंगा ये काम चल जाता था कि हम सजेशन कोई भी दे दें। पुराना केस हुआ ये था कि एक्यूज्ड अपने सजेशन से बाउंड नहीं है, आपने कोई सजेशन दे दिया वो आपको बाउंड नहीं करता था, क्योंकि केस लॉ भी था और 70s के अंदर ये जजमेंट आ चुके थे कि क्रिमिनल लॉ में देर आर नॉट प्लीडिंग्स लाइक सिविल लॉ, यू आर नॉट बाउंड बाय। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक केस हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट में अपहोल्ड हुआ, एक मर्डर केस में एक्यूज ने प्ली ली थी एलिबाई की, एट द टाइम ऑफ अकरेंस में मौके पे नहीं था, मैं तो कहीं और था, ट्रेन में था या कहीं और। अब प्ली ऑफ एलिबाई ओनरशिप होता है एक्यूज पे, उसको प्रूव करना, उसकी वो प्ली ऑफ एलिबाई डिसबिलीव कर कि नहीं था तो ये मौके पे, लेकिन वो उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किया और वो बाद में आज तक मैग्ना कार्टा गया तो कुछ भी, उन्होंने कहा नहीं ये था तो मौके पे, लेकिन जो इसने फायर किया ये इसने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया क्योंकि इसके आदमियों के चोटें लगी। तो उस समय इशू ये आया कि भाई ये एक्यूज ने पीडी नहीं कर रखा 311 313 में, उन्होंने कहा नहीं एक्यूज इज नॉट बाउंड बाय द प्लीडिंग, और अगर ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लीगली इसका बनता है तो उसको उन्होंने देकर एक्विट कर। दूसरा उन्होंने उसका रीजन जो बाद में डेवलप हुआ वो ये था कि एक्यूज को राइट ऑफ साइलेंस है, एक्यूज को प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है,
तो जब ये दो चीजें हैं एक्यूज्ड से, कभी भी आप कभी भी ध्यान से पढ़ोगे या प्रैक्टिकली भी देखोगे, एक्यूज कैन नॉट बी पुट अंडर ओथ, कंपल्सरी टेस्टिमनी एक्यूज की नहीं हो सकती, कैन नॉट बी पुट अंडर ओथ। तो उन्होंने कहा एक्यूज्ड को पूरी सीआरपीसी में केवल एक समय पूछा जाता है 313 में, और वो भी विदाउट ओथ। इसलिए एक्यूज्ड के काउंसिल ने कोई सजेशन दे दी चाहे पहले क्रॉस एग्जामिनेशन में, उससे एक्यूज्ड बाउंड नहीं है। एक्यूज्ड को एक्सप्लेन करना है 313 में, और उसने अगर उस फैक्ट को वहां मना कर दिया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन मैं इसीलिए मैं मेरे सभी दोस्तों से सबसे कहूंगा केस लॉ फॉलो करना, मैं विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूं, जुडिशरी वालों की जिम्मेवारी है, आपकी और मेरी ड्यूटी है केस लॉ बनाना। हमने फैक्ट्स को इस तरह डिस्टिंग्विश करना है या नया फैक्ट रिकॉर्ड पे लाना है कि जो सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो अप्लाई ना कर सके। आपने और मैंने रोज नया केस लॉ बनाना है। केस लॉ कब बनेगा? जब आप यहां केस करेंगे उसकी अपील होगी तभी तो केस लॉ बनेगा। इसलिए ये तो अच्छी बात है कि आप केस लॉ तैयार करें, पढ़े, यूज भी करें, बट जिंदगी में कभी भी केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गई है, मैं मेरी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के मुताबिक सवाल पूछ दूंगा और मेरा काम चल जाएगा। कोशिश करना ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आप उस दिन, हमारे समय तो एक साल में फैसला हो जाता था, आप उस टाइम में प्रैक्टिस में आए हो जब जिस ट्रायल का आज फैसला होगा उसकी अपील 15 साल बाद फैसला होनी है, 10 तो जरूर है, और उस 10 साल में पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कितनी बार अपना व्यू बदल ले। आप आज एक क्रॉस एग्जामिनेशन करके हटे आज की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे, और जब तक मेरी अपील का फैसला हो वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही सेटिस्फाइड हो जाए। इसका मैं एग्जाम्पल, ये बात इसलिए कही है, मैं एग्जाम्पल देता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यू दे दिया कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर आपने किसी विटनेस की हाजिरी मान ली तो यू आर बाउंड बाय इट। 313 में नहीं माननी हुई लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में मान ली, उसका दोस्तों कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा नुकसान कि जो हथियार आपको दिया गया था उस विटनेस की टेस्टिमनी को डिमोलिश करने का, उसी हथियार से आपने अपने आदमी के गोली मार दी। ये मैं आपको प्रैक्टिकली जो हुई बात है वो बता रहा हूं। अभी पीछे केस था भिवानी में, 16 या 17 मुलजिम थे और 3 आदमी मरे थे, 2 या 3, मैं उसमें प्रोसिक्यूशन से था। हमारे 3 आदमी फट्टर थे इंजर्ड, उनके स्टेटमेंट बहुत बाद में रिकॉर्ड हुए थे क्योंकि वो अनफिट थे। आई विटनेस जो हमारा सो कॉल्ड था, वो आई विटनेस शाम को वाका हुआ था, अगले दिन दोपहर तक रात को वो हॉस्पिटल में जाके एक सिंपल इंजरी की MLR कटा के गायब हो गया, अगले दिन दोपहर तक उसने FIR नहीं दी। मतलब ये कमियां थी कि FIR भी लेट थी, उसका कंडक्ट भी डाउटफुल था। एक दूसरा भी हमारा ऐसा ही था, समान ऐसा ही था हमारे पास। लेकिन जो बात बताने की है इसमें मैं मेरे साथ ही आपको एग्जाम उसका क्रॉस का वो पार्ट भी समझाऊंगा। क्या हुआ कि जो ए विटनेस था उसमें वर्षन ये था कि 2 ट्रैक्टर आ रहे थे और वो दोनों ट्रैक्टरों पर डिसीज्ड और इंजर्ड थे। 4-5 जने आगे वाले ट्रैक्टर पे थे, 4-5 जने पीछे वाले ट्रैक्टर पे थे, और एक ट्रैक्टर के ऊपर ए विटनेस था, एक ट्रैक्टर पर बी विटनेस था। अब आप ध्यान से सुनना,
इस गलती को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर कंफ्रंटेशन प्रॉपर करेंगे। तो जो पुलिस ने 161 के बयान लिखे उसमें आगे वाले ट्रैक्टर पर ए लिखा और पीछे वाले पर बी लिखा। जो दूसरा 161 का स्टेटमेंट दूसरे विटनेस का लिखा उसमें आगे वाले ट्रैक्टर पर बी को लिख दिया और पीछे वाले ट्रैक्टर पर ए को लिख दिया। यानी कॉन्ट्राडिक्शन तो बन गई कि ए आगे वाले ट्रैक्टर पे था या पीछे वाले ट्रैक्टर पे था, और बी आगे वाले पे था पीछे वाले पे था। अब इसको अगर हम अपने तरीके से जैसे मैंने बताया क्रॉस एग्जामिन करते तो हम उससे ये पूछते कि तूने अपने पुलिस के बयान में ये तो नहीं लिखा है कि मैं तो पीछे वाले ट्रैक्टर पे था, या तो वो कहता जी मैंने लिखाया था तो कॉन्ट्राडिक्शन कंप्लीट हो गई, और अगर वो कहता जी मैंने तो नहीं लिखाया तो उसे कहते कन्फ्रंटेड विद पोर्शन ए टू ए जिसमें ऐसा लिखा है। तो वो चीज वकील के या उस मुलजिम के नहीं चिपकती और कॉन्ट्राडिक्शन रिकॉर्ड पे आ जाती। वकील साहब ने जो हमारे अगेंस्ट थे काफी सीनियर थे लेकिन जल्दबाजी में या कैसे भी उन्होंने उसको सीधी वो स्टेटमेंट पुट कर दी, देख भाई तू तो दूसरे ट्रैक्टर पे था पहले पे नहीं था, बजाय वो पुलिस के स्टेटमेंट की फॉर्म में पुट करने के कि तेरी कॉन्ट्राडिक्शन है कि तू चीफ में तो कह रहा मैं आगे वाले ट्रैक्टर पे था, जिरे में उसे पुट कर दिया तू तो पिछले वाले ट्रैक्टर पे था आगे वाले पे नहीं था। इसी तरह सेकंड विटनेस के साथ हो गई। अब 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी थी तो हमारा काम बन गया। मैं जी गवाह की हाजिरी तो इन्होंने माननी हुई है। कैसे माननी हुई है, एविडेंस पढ़ लो। इसको डेफिनेट सजेशन दे रखी है तू दूसरे ट्रैक्टर पे था पहले पे नहीं था। सो बाय दिस क्रॉस एग्जामिनेशन द प्रेजेंस ऑफ द आई विटनेस जिसने एफआईआर दी थी एडमिट हो गई और वह बेचारे सजा हो। हमने एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ सीखने के गलती क्या थी, वो अपनी जगह ठीक थे कि इस विटनेस ने दूसरे गवाह के मुताबिक ये विटनेस अगले ट्रैक्टर पे नहीं पिछले ट्रैक्टर पे था, तो वो उस विटनेस से कंफ्रंट करके रिकॉर्ड पर कॉन्ट्राडिक्शन लानी थी, ना कि उसको सजेशन देनी थी कि तू तो दूसरे ट्रैक्टर पे था। तो कंफ्रंटेशन ठीक नहीं की, सजेशन गलत हो गई, विच रिजल्टेड इन टू ए कन्विक्शन। वो लॉयर की मैं उसे कहूंगा इनएप्ट हैंडलिंग या इनकरेक्ट हैंडलिंग के कारण हुआ। इस चीज को हमने सदा पूरी तरह केयरफुल रहके, बिकॉज मैं बार बार कहता हूं आपको चुप रहने का अधिकार है, आप कोई सजेशन ना दो, आप केवल ये कह के बंद कर सकते हो इट इज इनकरेक्ट टू सजेस्ट दैट आई हैव डिपोज फॉल्सली ऑन ऑल काउंट्स। ऑन ऑल काउंट्स मीन्स तूने जो कुछ आज तक कहा है ये सब झूठा। कई बारी हम क्या कमी करते हैं कि हर चीज की सजेशन देनी शुरू करते हैं कि ये फर्क सिविल और क्रिमिनल ट्रायल में है। सिविल में अगर आपने स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया तो आपके अगेंस्ट एडमिटेड माना जा सकता है, क्रिमिनल ट्रायल में ऐसी कहीं आवश्यकता नहीं है। अगर एक आई विटनेस को आपने इतनी सजेशन दे दी कि तुम मौके पर नहीं थे तुम झूठ बोल रहे हो हर पॉइंट पे, तो जो उसने पूरी डिटेल दी है आपने उस सारे को चैलेंज कर दिया, मीन्स आपने उसको एडमिट नहीं किया। सजेशन क्रिमिनल लॉ में कोशिश करो तभी स्पेसिफिक सजेशन दो जब आप किसी जनरल एक्सेप्शन को प्लीड कर रहे हैं जो आईपीसी में कि ये डिफेंस है आपके। अगर आपका डिफेंस है कि देख तूने इसके ऊपर हमला किया था तूने मेरे चोट मारी थी और मैंने बचाव में तेरे लाठी मारी है, तो सजेशंस के बारे में
जो लास्ट में आनी है क्रॉस एग्जामिनेशन के ऐसे हर्ट केसेस में, उसके बारे में वी आर टू बी वेरी केयरफुल। मैंने सिग्नेचर को चैलेंज करना है, डॉक्यूमेंट को। अगर मैं कह दूं देख भाई ये डॉक्यूमेंट तूने फर्जी बनाया, तो एक सजेशन है, मैंने चैलेंज कर दिया। और अगर मैं कहूं कि देखो ये जो मेरे दस्तखत है ना, ये तूने कंप्यूटर से उठा के इम्प्रिंट करके ये मेरे दस्तखत बनाए हैं, तो मैंने उस सजेशन से दस्तखत मान लिए जो उसने प्रूव नहीं किया था। जिस क्लाइंट को एक वकील की वो दी गई है सर्विसेज, उसमें और अपने में यही फर्क है। मटेरियल तो उसका है, बता दो वो रहे पम्मी को के बाबू जी ये दस्तखत मेरे नहीं है या ये दस्तखत इन्होंने फर्जी बनाए हैं। अब उसको कोर्ट में कैसे यूज करना है कि या तो पम्मी बाबू जी ये कह के उसे बंधवा दे कि भाई दस्तखत तो मेरे हैं लेकिन तूने सुपर इम्पोज किए हैं, और या ये कह दे कि भाई ये तो फर्जी बनाया हुआ। ये फर्क है जो आपको एज ए क्रिमिनल लॉयर और एज ए लॉयर व्हेन यू आर हेल्पिंग दैट लिटिगेंट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नॉलेज अपने को दी गई है, उस लिटिगेंट के पास नहीं है। इस नॉलेज की कमी के कारण उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। देयरफॉर सजेशन देते समय और बिना सजेशन के कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन बंद मत। कई बार हम जल्दबाजी में या ये बाद में लिख लेना जी, बीच में छोड़ के निकलते हैं या छोड़ के जाते हैं, या ओवर एंजाइटी में कि ये इस बात को मान गया बबी जाओ आगे मत छेड़ो। अगर मैं लास्ट के पार्ट को छोड़ गया तो बहुत बड़ा नुकसान कर। और इस सीक्वेंस को मैं खत्म करता हूं यहां पे, है 5-7 मिनट, मैं इस सीक्वेंस को खत्म करता हूं। दोस्तों एक चीज और जान लो, मेरे पास अपील आई और मैं अपील पढ़ते ही कहूंगा, शाम को तारा ने मरवा दिया। ये तो सवाल पूछना ही नहीं था, इसने खुद ने पूछ के मरवा दिया। ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई ये सवाल अगर नहीं पूछा होता तो काम बन गया। आप उस माहौल में रह रहे हो, मैं फिर कह रहा हूं हमारा भला टाइम था, हमारा टप गया। आप उस माहौल में रह रहे हो जिसमें एग्जामिनेशन इन चीफ पूरा हुआ नहीं और जज साहब की तो तसल्ली हो गई, वो तो तैयार है अब गडासा लेके। आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करके अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है। जो लोग ये कहते हैं ना कि ना 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 जीरे बड़ी आर्ट है इसमें, तो बड़ा सोच के सवाल जवाब करना चाहिए, वकील का सवाल उसको मरवा देता है, ये पूछने की जरूरत नहीं थी। भाई वो टाइम गया, जितना कुछ जानते हो हर चीज को पूछो, पूछने पूछे बिना कुछ मत छोड़ो। अगर आपको यह भय है कि मेरे सवाल से सजा होगी, आपके सवाल से सजा नहीं हुई, सजा तो पहले हो चुकी चीफ में। आपके सवाल से तो अगर कुछ आएगा तो क्या आएगा, जो आप अपने हक में चाहते हो। इस सीक्वेंस में जब हम चल के यहां तक आ गए तो एक और अगला बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह जैसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन रिकवरी के केसेस में करते हैं, एनडीपीएस एक्ट के या ये इन दूसरे इन केसेस में, इन केसेस में ये, हालांकि मैंने कम काम किया है लेकिन मैं फिर भी अपने जो नए आ रहे हैं भाई उनको समझाना चाहूंगा कि यार ये ना ये आदत अब हमें छोड़नी पड़ेगी कि थाने से चल के चलो और उसे थाने में वापस ले आओ। इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं कह रहा हूं, जिस थानेदार ने वो केस उस दिन बनाया है रिकवरी का 2 किलो चरस का,
नहर पे जा रहे थे, सामने से पम्मी आता दिखा, पुलिस पार्टी को देख के घबरा के भागा, मुड़ने पर गप्पू किया, हाथ में थैला था, थैले में ये निकला, लोगों को बुलाया खेतों में, वो भाग गए इंडिपेंडेंट विटनेस के लिए। वो आजकल उनका नंबर साल दो साल के बाद गवाही का आता है कम से कम। और वो थानेदार कचहरी में जब गवाही देने आया है तो वो केवल पुलिस फाइल में अपनी वो ही पढ़ता है सीक्वेंस, तो उसकी मेमोरी रिफ्रेश हो गई। अब वो रिफ्रेश्ड मेमोरी से आया है, उसी सीक्वेंस में आया है, और उसी सीक्वेंस में अगर आपन जब उससे सवाल डालने शुरू करेंगे तो उसमें तो वो तैयार है। कब मिलेगा हमें? संभावना कम है, क्योंकि फिर वही पेट सवाल होंगे। आपने इंडिपेंडेंट विटनेस ज्वाइन करने की कोशिश की, वो कह देगा जी खेतों में थे, भाग गए। आपने उनको कोई नोटिस दिया? नहीं जी, कोई नोटिस नहीं दिया। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो अमेंडमेंट्स के साथ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जैसे स्पेशली एनडीपीएस एक्ट में के सेक्शन 50 की कंप्लायंस चाहिए, सेक्शन 41-42 की कंप्लायंस चाहिए, विटनेसेस की ज्वाइनिंग चाहिए, या मजिस्ट्रेट के वो केस प्रॉपर्टी पेश की जाती है, मजिस्ट्रेट के यहाँ पे उसकी सीलिंग की जानी है, इन इश्यूज को जो वैसे देखने जो उसकी सीक्वेंस में उस दिन वो पढ़ के नहीं आया, इन इश्यूज को अगर हम शुरुआत से लेंगे तो वो जो मैं कन्फ्रंटेशन वाली बात कर रहा था उसकी जो डिसलॉजिक है वो यहां से शुरू होगी कि ये थाने से तो चला ही नहीं। थाने से कितने बजे चले थे वो? उसने जिमनी में लिख रखा है 9:20 पे चले थे, वगैरह 9:20 पे चले थे। और अगर मैं उससे शुरुआत करता हूँ कि सेक्शन 50 की कंप्लायंस में क्या कमी है, सीधा सवाल उससे शुरू करता हूँ, तो सेक्शन 50 तक तो वो भी पहुंचा ही नहीं था, वो तो थाने से चला था। इस तरह की इनोवेशन आप सब करने की कोशिश करो, आपको कुछ ना कुछ औरों के अलावा नया मिलेगा। रिकवरीज के लिए ये मेरा सुझाव था। हर्ट केसेस या दूसरे केसेस की सीक्वेंस मैंने आपको बताई, इसी तरह और भी जिन केसेस में ओनस ऑफ प्रूफ की बात है। अब 138 की कंप्लेंट्स बहुत हैं, 138 की कंप्लेंट्स में भी समरी ट्रायल बना दिया, सवाल नहीं पूछने देते, ये वो है। इन चीजों में भी अगर हम अपना एक पर्टिकुलर स्टैंड पहले क्लियर रख के चले कि मैंने चेक की इश्यूएंस माननी है नहीं माननी, मैंने चेक की इश्यूएंस माननी है, मैंने सिक्योरिटी का चेक दिया था, इसके ये सर्कमस्टेंसेस हैं, तो मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन उसकी तरफ ही पूरी तरह होना चाहिए, जिसका पूरा आइडिया उधर है उसी के ऊपर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। कैपेसिटी टू गिव द लोन और गिव दैट अमाउंट एक क्रॉस एग्जामिनेशन का पार्ट है, शुरुआत हम उससे कर सकते हैं। सर्कमस्टांसिस ऑफ इश्यूएंस ऑफ द चेक हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। एनी ट्रांजेक्शन जिसके अगेंस्ट वो पेमेंट की जानी है उस ट्रांजेक्शन को हम चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सजेशन शुरू में ही या अपने वर्षन में ही उस पोर्शन को मान के चल बैठे जिस पोर्शन के लिए मैंने जिरह करनी थी, तो फिर सामने वाला चाहे वो जज हो चाहे वकील हो वो ऑब्जेक्शन करेगा, जी क्या कर रहे हो, आपने तो एडमिट कर। सो देयरफॉर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है, चाहे वो एनडीपीएस एक्ट का है, चाहे वो मर्डर का है, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, या हर्ट का है, मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल केसेस में आपको अपने केस को पूरी तरह पढ़ के रट्टा मार के अपनी लाइन बनाने के बाद आपका क्रॉस एग्जामिनेशन अगर होगा तो सीक्वेंस के अंदर अगर होगा तो आपको उसका नुकसान कभी भी नहीं। अब एक और चीज आती है भाई, क्रॉस एग्जामिनेशन में मैं जानबूझ के आपके सामने कोई सेक्शन कोट नहीं कर रहा हूं,
क्योंकि सेक्शन आप सबको एविडेंस एक्ट में मिलता है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आई मे बी रॉन्ग बट आई कैन क्लेम कि मैं इससे जितना भी थोड़ा बहुत मामूली सी सक्सेस हो कॉल्ड अपनी वकालत में, नॉट इन द टर्म्स ऑफ केसेस वन, केस तो ये पहली स्टेज है, यहाँ की हार जीत की ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। मैं कह सकता हूं कि ब्रदर क्रॉस एग्जामिनेशन के समय कभी भी अग्रेसिव मत हो, ये मेरी सजेशन है आप सबसे। चाहे विटनेस सामने वाला कितनी बदतमीजी करे, अगर मैं उस विटनेस को ठीक करने में लग गया, मेरे से लिखवा लो मेरे 10 सवाल थे तो 2 या 3 सवाल मैं जरूर मिस करूंगा, क्योंकि मेरी ये टेंशन तो उसको ठीक करने में, उससे लड़ने में लग गई। तू क्या समझता है मैं तो तू उसको समझाने में लग गया, तू क्या समझ रहा है। तो इसलिए विटनेस को, मेरा तरीका है, गलत हो सकता है, ताकि उसको ये लगे कि वकील साहब तो यार तेरा ही आदमी है, बड़े तरीके से धीमे धीमे सवाल पूछे जा रहा है, हाँ ना करे जा। इन दैट वे आपका जो लाइन है और जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आप उस ऑब्जेक्टिव को पाने की ज्यादा चांसेस हैं, बजाय इसके कि आप उससे लड़पड़े, उसने मुकदमे की बजाय आपसे लाठी से लाठी अड़ा ली, अब वो आपको फेल करने पर जुटा हुआ, आप उसको कॉर्नर करने पर जुटे हुए हो, तो जिसका बेचारे का पीछे वाले का मुकदमा है वो तो वहीं खड़ा रह गया। बाबू जी से जो हमारे में जिनके कारण आज यहां हूं, भव प्रताप चंद कत्याल गुरु जी थे मेरे, बिना किसी क्रिमिनल जानकारी के आया था, सीआरपीसी तक पढ़ी नहीं थी, और बाबू जी हमारे पंडित देवराज जी करते थे सिविल रेवेन्यू का काम, कत्याल साहब का घड़ा हुआ हूं। वो क्या करते, बोले गाल सुन, मैं क्या, हाँ जी, बोले जेड़ा पीछे खड़ा है ना, मैं क्या, हाँ जी, बोला ये कहंदा है बाबू जी लड़ाई तो मैनू आंदी है, लड़के तो मैं आया है, तुसी गवाह नू मनाओ साहब नू मनाओ। तो बोला फीस लड़ने की नहीं मिली, फीस इनको मनाने की या इनसे समझाने की मिली। आप एविडेंस एक्ट में भी पढ़ोगे ऑफेंसिव क्वेश्चन आर नॉट अलाउड, ऑफेंसिव क्वेश्चन आर नॉट अलाउड, अग्रेसिव क्वेश्चन आर नॉट अलाउड, ऑफेंसिव और अग्रेसिव क्वेश्चन जब भी आप करोगे, हो सकता है आपको किसी एक दो के किसी केस में थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए, बट एक तो आप बेंच में अपनी रेपुटेशन खो बैठे। बोला वकील साहब को बुलाओ, कौन है, बोला जी पम्मी है, बोला यार लड़ाई करेगा ये फर्क क्रिमिनल ट्रायल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्रिमिनल लॉयर में और सिविल वालों में यही फर्क है। सिविल वाले लड़ सकते हैं, वो कहते हैं डॉक्यूमेंट से बाहर कहां जाएगा, क्या कर लेगा, अपने तो भाई रात को जोटा ढूंढने गए, वो आई विटनेस तो कैद करा दे और इंजर्ड विटनेस के अंदर भरी कर दे, बोला भाई ठीक है झूठा बयान दे। सो द डिस्क्रिशन ऑफ ए जज इन क्रिमिनल केस इज सो मच के वी शुड नॉट ट्राई टू एंटेगनाइज ए जज विटनेस से लड़ते हुए कोर्ट से हमारा झगड़ा हो जाए, क्रिमिनल लॉयर को हमेशा अवॉइड, ठंडे ठंडे विटनेस को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करो, वो आपको जरूर देके जाए। सीक्वेंस में चलो। इसी तरह चौधरी गणपत राम एडवोकेट थे, आप लोगों को तो बहुतों ने नाम ही नहीं सुना होगा, गंगानगर से आते थे, एक टाइम में नॉर्थ इंडिया के वो वन ऑफ दी बेस्ट लॉयर्स थे ट्रायल के, जिनको इसका मेडिकल का गनशॉट इंजरीज का एक्सपर्ट मानते थे, अमृतसर से लेके और नीचे जैसलमेर तक, दिल्ली की कहीं पर भी
उस आदमी को मैंने उनके साथ बहुत काम किया, उनकी डेथ के बाद उनके 3-4 केस भी मैं पूरे कर गया। वो वाकई फोरेंसिक का एक्सपर्ट था। बीआर शर्मा की किताब में उसका नाम है एज ए कॉन्ट्रीब्यूटर, मोदी की किताब में एक टाइम पे उनका नाम छपा था एज ए कॉन्ट्रीब्यूटर, कि उसको मेडिकल साइड की इतनी जानकारी थी, क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिकल उसकी। लेकिन उन्होंने हमारे को समझाया और आखिर तक कहते हुए बोले, बेटा कभी भी एक्सपर्ट विटनेस से जिद मत करो। मैं कह दी क्यों? बोले एक्सपर्ट विटनेस, बोले बदमाशी बदमुशी तो कोई पैसे लेके कुछ कर रहे हैं तो सेपरेट चीजें हैं, नॉर्मल कोर्स में। बोले एक्सपर्ट विटनेस इसलिए एक्सपर्ट है कि उसको सब्जेक्ट की जानकारी है। और बोला तेरे और मेरे पास उधारी जानकारी है, पीआर शर्मा की किताब पढ़ ली, मोदी की किताब पढ़ ली, एक्सपर्ट्स की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की किताब पढ़ ली। बोला अपने पास है उधारी जानकारी, उनके पास है 5-7-10 साल की पढ़ाई की और ट्रेनिंग की जानकारी। आप उससे जिद करोगे तो वो अपनी रिपोर्ट को ठीक साबित करने के चक्कर में आपको नई से नई टर्मिनोलॉजी देके नए एग्जांपल देता चला जाएगा। जितना आप उससे जिद करके सवाल पूछते जाओगे वो आपके खिलाफ जवाब देता है, चाहे वो आप हैंडराइटिंग वाले में देख लो, चाहे वो बैलिस्टिक्स में देख लो, चाहे वो मेडिकल साइंस में। इसलिए मैं भी उन वाली एडवाइस को फॉलो करते हुए आप सबको यही आगे पास ओवर करूंगा कि एक्सपर्ट को जिरे करो जरूर जितनी आपके लिए जरूरी है, लेकिन एक्सपर्ट से कभी जिद मत करो, एक्सपर्ट से जिद को अवॉइड करो। एक्सपर्ट का क्रॉस एग्जामिनेशन आप जितना लिमिटेड रखोगे आपको उतना आराम रहेगा। अमेंडमेंट्स को भी आप ध्यान में रखा कीजिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाले केसेस हैं, रेप वगैरह के केसेस हैं, इसमें अमेंडमेंट करके एविडेंस एक्ट में डाला गया है कि करेक्टर ऑफ द वुमेन जो प्रोसिक्यूटर एक्ट है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन मेरा गवाह आके मेरे को, मेरा क्लाइंट मेरे को कहता है कि जी इस लेडी ने 3 मुकदमे पहले इसी तरह कर और तीनों में पैसे लेके फैसले किए हुए हैं। अब मेरे को गवाह होता है, अब यहां पे वकालत का काम है बीच में क्रिमिनल। आपने 3 झूठे केस बनाए रेप के, यू आर चैलेंजिंग हर, इट कैन बी ऑब्जेक्टिव कि आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसकी रिलायबिलिटी के कहो कि भाई FIR नंबर इतने फलां सेक्शन में आपने इस थाने में कभी दर्ज कराई थी, हाँ या ना, ठीक है इनसे लो, यही आपका नाम है, यही आपकी आइडेंटिटी है, यही उसकी आइडेंटिटी हम फिक्स कर लें, क्या आप कभी इस केस में फला कोर्ट में जिस कोर्ट में वो केस लिया था गवाही देने गए? आई एम नॉट चैलेंजिंग दी करेक्टर ऑफ दैट लेडी, आई एम नॉट सेइंग कि तू तो ये केस बना के पैसे खाने का धंधा करती है साहब, मैंने नहीं कहा। मैंने तो अभी इतना ही पूछा है कि आप कोर्ट में गवाही देने गए या नहीं गए, लेटर से के मैं नहीं गई, तो आई कैन प्रोड्यूस दी कॉपी ऑफ दैट स्टेटमेंट। अगर वो कहे हां जी मैं गई थी, यदि फिर जिस केस में आप गवाही दे के आए उसका फिर फैसला हो गया था, उस फैसले में वो आदमी बरी हो गया। मैं ऐसे तीनों केसेस की अगर सवाल पूछता हूं तो मैं अग्रेसिव नहीं हूं, मैं इसके बारे में उसके करेक्टर को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे एक्यूज के डिफेंस को मैं एज बाई वे ऑफ ए प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन प्रूव करने की स्थिति में। ये काम भी आप लोगों को आगे ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि द नंबर ऑफ दीज केसेस इज ऑन द इंक्रीज। अब वहां पर भी आपको अपने क्रॉस एग्जामिनेशन को डेवलप करना है, सवाल वही है।
कि जो बेयर एक्ट में बार किया गया है उससे भी आप अपने सवाल के तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करो। जब आप उससे बाहर निकल जाओगे तभी तो आप नया केस लॉ बनाओगे। अब कोई अगर कहेगा कि जी ये तो सुप्रीम कोर्ट कहती है आप ये सवाल पूछ नहीं सकते, तो भी तो मेरा एक भाई कहेगा बोला जी मैंने सवाल पूछा ही नहीं, मैंने तो एक ये फैक्ट पूछा था कि तूने उस केस में गवाही दी या नहीं दी। शी कैन नॉट से, वो कह सकती है मैंने नहीं दी, मैं कॉपी पेश कर दूंगा, और अगर वो कह के मैंने दी थी तो अगले सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि उसका क्या हुआ था। ये है मोटा मोटी जो इश्यूज इन्वॉल्व इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। तो कभी एक्सपर्ट से जिद नहीं करनी, अग्रेसिव नहीं होना, कोर्ट को इस चीज के लिए ऑफेंड नहीं करना कि भाई। और लास्ट में कुछ तो लंबा कर दिया, और मैं कह रहा हूं ज्यादा लंबा, अवॉइड लेंथी क्रॉस एग्जामिनेशन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्लेइंग टू द गिल्टी। नुकसान मैंने खुद जो सो कॉल्ड बड़े केसेस हैंडल किए हैं, मैं आपसे अपने प्रैक्टिकल बातें शेयर करने के लिए आया हूं। राम रहीम के केस की कन्विक्शन के बाद मैंने उनका मर्डर केस आरोप किया था, पांच कोड़ा जो पहला मर्डर केस था, हालांकि दोनों किए, दोनों में सजा हो गई, लेकिन जो हमने पहला केस आरोप किया उसमें आई विटनेस जो था उसका क्रॉस एग्जामिनेशन चार या पांच डेट्स पे, मेरे ख्याल 52 या 55, आई एम नॉट एग्जैक्ट, 52 और 55 के पेजेस का था, क्योंकि मैं तो सिर्फ आर्गुमेंट्स की स्टेज पर गया था। बट आई आस्क ऑल ऑफ यू हु आर देयर, मैं आप में से किसी को भी ड्यूटी लगाऊं कि भाई तू जज बन के एक बार इस पूरे क्रॉस एग्जामिनेशन को पढ़ के देख और बता के इस गवाह को बिलीव करना है नहीं करना, थक जाएगा यार, कहां तक फैसला करेगा, आखिर यही कहेगा ना कि यार पढ़ कुएं में अपने आगे वाले देखेंगे। तो किसी भी जज को इस स्थिति पे मत जाने दो कि वो ये देख के कि तो बहुत लंबा क्रॉस एग्जामिनेशन है, आपकी उस करी कराई मेहनत को इसलिए फेंक दे कि इसने तो माथा मार दिया, पता नहीं कुछ है भी या नहीं। It was so illustratively described, so chronologically elaborated the whole criminal jurisprudence with the practical aspects and the principles. Please, please, please be seated. Please, please take your seats. Now I call Mr. President to come forward and convey the token of thanks to Mr. P.K. Sundari. सबसे पहले 5 मिनट आप एक 5 मिनट और हमें दे दीजिए, आदर और सम्मान के योग्य है हमारी बात निशान सीनियर एडवोकेट श्री पी के संदीप जी, इंस्पेक्टर सेक्रेटरी ऑफिस ब्रिगेड एंड इंस्पेक्टर मेंबर। सबसे पहले तो मैं संदीप साहब का धन्यवाद करता हूँ, ये हमारा इलेक्शन का एजेंडा भी था कि सबके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाएगी, उसके लिए उन्होंने सहमति दी, और इसके लिए मैं सोंदर शिवा का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो इन्होंने इनिशिएट किया। तो और आप सब लोगों का कि आप सबकी हाजिरी जो है ये अप्रिशिएशन है हमारी एफर्ट्स को, और मैं ये नहीं कहूंगा कि सार बार से, मुझे बार के और अदर बार से भी मैसेज आया कि आप इस प्रोग्राम को लाइव कीजिए, हमने वो भी आज शुरुआत की है, यूट्यूब चैनल हमने सार बार का बनाया है, ऐसे ही आप लोग हमें साथ देते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी ऑफिस बेयर मिलते हैं, पसंद के साथ को एक मोमेंटो पेश करें, थैंक यू। और सीनियर सर आइए आइए आइए।